गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग आज के सेशन में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% होता है। तो ट्राई करना इस टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने का, और इनके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा, तो उसे आप एक बार देख के रिविज़न कर सकते हो, ठीक है। तो और इनके बाद आप डेफिनेटली क्विजेस को लगाना जो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देखिए कैटेगरीज ऑफ पेस्ट पढ़ेंगे, और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, लाइक डैमेजिंग बाउंड्री क्या होता है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होते हैं। तो ये सारे टर्म आपको क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं है तो चलिए सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं, देन हम लोग कैटेगरीज ऑफ पेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, हाँ ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि डैमेजिंग बाउंड्री क्या होती है, ठीक है, डेट इज कॉल्ड शॉर्ट में इसको DB लिखते हैं, डैमेजिंग बाउंड्री, ठीक। अगर मैं इससे बताता हूँ ग्राफ बना के, ठीक है, डेट इज कॉल्ड DB, ठीक है। तो डैमेजिंग बाउंड्री क्या होती है, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे सपोज आप किसी चीज़ की खेती की हो, कोई भी क्रॉप को आपने कल्टिवेट किया है, आप एक बार अपने फील्ड में जाते हो अपने फील्ड को विजिट करने के लिए, आपको महसूस होता है कि हमारे फील्ड में किसी पेस्ट का अटैक हो गया है। दैट मीन्स कि आपको इनिशियल सिम्टम दिखाई पड़े, दैट मीन्स कि सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ इंजरी आपको किसी क्रॉप पे उसके स्पोर मिल गए, है ना, किसी क्रॉप पे उनके आपको पेस्ट दिखाई पड़ गया, किसी में उसके लीफ में छेदे हो गए हैं, है ना। दैट मीन्स कि आप अपने फील्ड को विजिट किए तो आपको महसूस हुआ कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, बट वो सीवियर अटैक नहीं है, इतना अटैक नहीं है कि आपका इकोनॉमिक लॉसेस हो गया, आपके पूरे फसल खराब हो गए, ऐसा नहीं। आपको बस सिम्टम दिखाई पड़ा है, आपको कोई पेस्ट दिखाई पड़े फील्ड में, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डैमेजिंग बाउंड्री, सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ इंजरी होता है। इसको आप मेजर कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि कितना फसल हमारे डैमेज हुए हैं, ठीक है। लेट्स फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके फील्ड में 10 क्रॉप लगे हुए हैं, इनमें से किसी दो क्रॉप के ऊपर आपको इंसेक्ट दिखाई पड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड डैमेजिंग बाउंड्री। इज इट क्लियर, सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ इंजरी होता है, ठीक है। अगर आपने, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अगर आपने पॉपुलेशन यहाँ पे कंट्रोल नहीं करी, आप इसको अवॉइड कर दिए, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, अपने ठीक हो जाएगा, तो अब क्या होगा, इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन घटेगी दिन ना, पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ही, तो अब क्या होगा, पॉपुलेशन यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होगा इंसेक्ट की या पेस्ट की, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ेगी और पहुँच जाएगा ये इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे, ठीक है। पॉपुलेशन कहाँ पहुँच जाएगा, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे। अब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको अब एक्शन लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक्शन अगर आप नहीं लोगे तो फर्दर आपको फिर इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपके फील्ड में क्रॉप डैमेज तो हो गए हैं, है ना, उसमें आप पत्ते खराब हो गए, उनके उनके फ्रूट क्वालिटी खराब हो गए, तो मतलब कि आपको डैमेज हो दिखाई पड़ेंगे कि हाँ यार काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है। अब आपको यहाँ पे एक्शन लेना ही पड़ेगा, आपको कोई ना कोई मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अप्लाई करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं किया तो भाई साहब आप नेक्स्ट स्टेप पहुँच जाओगे, जो है आपका इकोनॉमिक इंजरी लेवल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डैमेज, है ना। इसको इकोनॉमिक डैमेज क्यों बोल रहे थे, क्योंकि आपने यहाँ पे अगर कंट्रोल नहीं किया पॉपुलेशन को तो फर्दर पॉपुलेशन पहुंच जाएगी इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे, और यहाँ पे आपको मनी मतलब आपका फूड क्वालिटी तो खराब हो ही जाएंगे, साथ में आपकी इकोनॉमिक लॉसेस भी होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इंजरी लेवल, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एक्शन थ्रेशोल्ड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो फिर फर्दर आपको इकोनॉमिक लॉसेस सहने पड़ेंगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डैमेजिंग बाउंड्री सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ इंजरी था, जहाँ पे आपको फील्ड में कुछ सिम्टम दिखाई पड़े, कुछ आपको पेस्ट दिखाई पड़े, ठीक है। आपने वहाँ पे अगर कंट्रोल नहीं किया तो पॉपुलेशन बढ़ते हुए पहुँच जाएगी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे, जिसको हम एक्शन थ्रेशोल्ड बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे आपको मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अप्लाई करनी ही पड़ेगी, आपको कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, डिफरेंस बहुत लोग को नहीं पता होता है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल में और इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल में कॉमन सा डिफरेंस ये है कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल में आपको इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, आपका फसल ख़राब हो गया, आपको पैसे की जिस जो आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस फसल से मेरे को इतना पैसा आएगा, वो नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, क्योंकि आपका फसल ही ख़राब हो चुका है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और इंजरी लेवल का दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड लेवल में क्या होगा, यहाँ पे देखिए सेकेंड, आपका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल यहाँ पे क्या होता है कि आपका क्रॉप डैमेज हो चुके हैं,
ठीक है, लेकिन किसी भी तरह का अभी तक आपको इकोनॉमिक लॉसेस नहीं हुए। अगर यहाँ पे आप कंट्रोल कर देते हो तो आप इकोनॉमिक लॉसेस होने से बच जाओगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल दैट इज, यहाँ पे इसको इसलिए हम एक्शन थ्रेशोल्ड बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको किसी न किसी टाइप का मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा डैमेजिंग बाउंड्री क्या होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होता है। ठीक है, एक और कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड GEP, जनरल इक्विलिब्रियम पोजिशन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि आपने ना अपने फील्ड में देखा ही पड़ा कि हाँ काफ़ी ज़्यादा पेस्ट का अटैक हो चुका है, आप दुकान गए, दुकान से कोई इंसेक्टिसाइड लेके आए और अपने फील्ड में स्प्रे कर दिए। ठीक है, स्प्रे करने के बाद पॉसिबिलिटीज़ है कि 80% या फिर 90% पेस्ट तो मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 100% पेस्ट मर जाएंगे? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ स्पोर रह जाएंगे, कोई ना कोई पेस्ट आपके रह जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि 100% आपके पेस्ट नहीं मरेंगे, कुछ पेस्ट बच जाएंगे, और ये जो पेस्ट बचेंगे ना फर्दर ये आपके अपने लाइफ साइकिल को पूरा करेंगे। ठीक है, मतलब वहाँ पे रहेंगे और अपने फिर पॉपुलेशन को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो ये वो कंडीशन होती है जहाँ पे पॉपुलेशन सारे के सारे नहीं मरते और जो बच जाते हैं वो अपने लाइफ साइकिल अगेन इनिशिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड जनरल इक्विलिब्रियम पोजिशन। ठीक है, समझ में आ गया, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग सबसे पहला जो कैटेगरीज ऑफ पेस्ट में पहला क्लासिफिकेशन है वो है की पेस्ट। की पेस्ट क्या होते हैं, तो सबसे पहले ना फिर से वो ग्राफ बना लेता हूँ ताकि आपको और इजी क्लियर हो जाए। तो देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ना, देखिए कलर थोड़ा सा अजीब लगने लगता है, तो लाइक दिस। ठीक है, ये आपका डैमेजिंग बाउंड्री हो गया। सब फिर इसके नीचे आता है आपका ETL, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, दैट इज कॉल्ड एक्शन थ्रेशोल्ड, और इसके ऊपर आपका आता है EIL, इकोनॉमिक डैमेज, इसको भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है की पेस्ट के अंदर, की पेस्ट ये वो पेस्ट होते हैं जो सीवियर अटैक करते हैं, मतलब आपके फील्ड के ऊपर इतना ज़्यादा अटैक कर देंगे कि आपको इकोनॉमिक लॉसेस तो होनी ही हैं। ठीक है, तो इनका आप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करना बहुत ज़रूरत है। तो याद रखिएगा बस एक पॉइंट कि की पेस्ट ये वो पेस्ट होते हैं जिनका अटैक काफ़ी सीवियर होता है और इनका जो पॉपुलेशन होता है हमेशा लाइज करता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल से ऊपर ही। मतलब इनका अगर GEP की बात करूँ, जनरल इक्विलिब्रियम पोजिशन की, तो ये कहाँ लाइज करेगा, हमेशा EIL से ऊपर लाइज करेगा यहाँ पे। तो की पेस्ट जो होते हैं ना यहाँ पे होते हैं, ठीक है, EIL से ऊपर होते हैं। अब ऐसे पेस्ट का एग्जाम्पल जैसे आप डायमंड ब्लैक माउथ हो गया, कोटन बॉल वार्म हो गया है ना, फिर आपका ये पोड बोरर हो गया, तो ये सारे जो होते हैं ना इनका अटैक काफ़ी सीवियर होता है क्रॉप के ऊपर और ये हमेशा की पेस्ट में माने जाते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप है वो है मेजर पेस्ट। अब देखिए मेजर पेस्ट क्या होता है, बहुत थोड़ा ध्यान समझने से है ना, इनके जो आपका ग्राफ था उसे ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे नीचे बोलिए क्या होता है, हाँ वेरी गुड, डैमेजिंग बाउंड्री, उसके ऊपर क्या होता है ETL, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन इस चीज़ को लेके होती है ना कि थ्रेशोल्ड, सब सोचते हैं कि ये सबसे ऊपर लाई करेगा, बट ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड है ना, तो होता है ना थ्रेशोल्ड से सबसे ऊपर समय ऐसा आता है कि हाँ थ्रेशोल्ड की बात कर रहा है, दैट मीन्स सबसे ऊपर लाइज करेगा, बट ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल सेकेंड पोजिशन पर आता है, अगर यहाँ पे कंट्रोल नहीं करी तो पॉपुलेशन पहुंच जाएगा थर्ड पोजिशन पे जो है आपका EIL, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इंजरी लेवल। ठीक है, अब देखिएगा मेजर पेस्ट क्या होते हैं, सिंपल सी बात है कि ये वो पेस्ट होते हैं ना जिनका पॉपुलेशन जो है वो अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया, दैट मीन्स कि सिंपल सी बात है कि इनका पॉपुलेशन EIL से नीचे लाई करेगा, थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर नहीं जाएगा ना। मतलब देखिए थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर तो चला गया है, इकोनॉमिक लेवल से नीचे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझना, यहाँ पे क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है वो EIL से नीचे है, मतलब कि थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर पहुंच गया, आपके फील्ड में अटैक तो कर चुके हैं, आपने वहां पे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं की, ठीक है, तो ये ऊपर पहुंच गया। लेकिन अगर यहाँ अभी भी आपने नहीं किया, अभी भी इसको आप अवॉइड ही करते आ रहे हो, तो फर्दर क्या होगा कि ये इकोनॉमिक इंजरी लेवल को भी क्रॉस कर जाएंगे, और जब इकोनॉमिक इंजरी लेवल को क्रॉस कर जाएंगे तो आपको इकोनॉमिक डैमेज सहनी पड़ेगी। इस क्रॉप से आपको कोई पैसे नहीं मिलने वाले क्योंकि तो सारे के सारे फसल ही खराब हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो, तो याद रखिएगा मेजर पेस्ट ये वो पेस्ट होते हैं जिनकी पॉपुलेशन EIL से नीचे लाई करती है, अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया, इस जगह पे अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ के क्रॉस कर जाएगी EIL को और फर्दर आपको इकोनॉमिक लॉसेस सहने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये आपका मेजर पेस्ट होता है। एग्जाम्पल आपका सकिंग मॉथ जो कॉटन में होते हैं, पेडी में होते हैं, ये इनके बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं थर्ड वाले पे। माइनर पेस्ट अगेन वेरी सिंपल सा है। ठीक है, मैं देखिए बार बार इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। डैमेजिंग बाउंड्री,
दैट इज कॉल्ड ई टी एल, और ये आपका हो जाएगा ई आई एल। ठीक है, देखिए डैमेजिंग बाउंड्री क्या होता है, इनकी जो पॉपुलेशन होती है ना वो जस्ट डैमेजिंग बाउंड्री से भी नीचे लाई करती है यहाँ पे। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन कहाँ लाई करती है, डैमेजिंग बाउंड्री से भी आपका नीचे लाई करता है, लेकिन अगर इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये आपके फर्दर ये आगे बढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड पहुंच जाएंगे, फिर आपके इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो इनको हम यहीं पे कंट्रोल कर देते हैं, डैमेजिंग बाउंड्री पे ही यहाँ पे कंट्रोल कर देते हैं। आप एक स्प्रे मारिएगा इंसेक्टिसाइड का तो ये आप फर्दर कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, तो डैमेजिंग बाउंड्री का जो पॉपुलेशन होता है कहाँ लाइक करता है, डैमेजिंग बाउंड्री से जस्ट नीचे बिलो। अभी उन्होंने कोई अटैक नहीं करी है आपके फील्ड में, वो भी हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, लाइक सॉइल सोलेशन किया आपने, है ना, आपने आप मल्चिंग कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि इनकी पॉपुलेशन फर्दर वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, आपने इनको यहीं पे कंट्रोल कर दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं माइनर पेस्ट। ठीक है, और माइनर पेस्ट का एग्जांपल आप देखेंगे तो जैसे थ्रिप्स हो गया, एफिड्स हो गया, है ना, फिर ठीक है थ्रिप्स हो गया, एफिड्स हो गया, और जैसे इनकी हम बात करें तो मिली बग्स काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, शुगर केन मिली बग। ठीक है, समझ आ गया कि माइनर पेस्ट क्या होते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके बाद जो आपका है वो है रेगुलर पेस्ट, तो ये क्या होते हैं, ये वो पेस्ट होते हैं ना फ्रेंड्स जो किसी सीजन में, है ना, किसी सीजन में ये रेगुलर आते हैं। लाइक आपने देखा होगा एक सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो है स्टेम बोरर, पेडी स्टेम बोरर, ये वो पेस्ट होता है ना जो हर साल, जैसे जैसे मान के चलिए कि पेडी का सीजन आ गया, आपने पेडी कल्टिवेशन करी, तो उस पेडी के स्टेम में ये रेगुलर आएंगे, तो ये वो पेस्ट होते हैं जिनका अटैक हर साल होता है, हर सीजन में होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये पेडी का क्रॉप है, ठीक है, ये जो होते हैं ना ये पेडी स्टेम बोरर, ये इस पेडी के स्टेम में छिपे होते हैं। ठीक है, इनकी अगर आपने हार्वेस्टिंग कर दी तो ये जो आपका रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा ना फील्ड में, ये उसमें जाके अपना फिर फर्दर ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, जैसे फिर आप कल्टिवेट करोगे फिर ये अगेन आ जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि ये वो पेस्ट होते हैं जो किसी स्पेसिफिक सीजन में इनका अटैक देखने को मिलेगा, आपको हर साल नहीं देखने को मिलता है, वो किसी स्पेसिफिक सीजन में मिलेगा। लाइक आपने पेडी कल्टीवेशन करी, ठीक है, उनका ये भी आ जाएंगे, इनके ग्रोथ बढ़ जाएंगे, पेडी आपने हार्वेस्टिंग कर दी ये फर्दर डोरमेंसी में चले जाएंगे, फिर आपने जब कल्टीवेट करना है फिर ये आगे। ठीक है, तो ये ऐसे पेस्ट होते हैं जो रेगुलर इंटरवल पे किसी स्पेसिफिक सीजन में आएंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है पेडी स्टेम बोरर। ठीक है, नो दूसरा आता है आपका स्पोरेडिक पेस्ट। स्पोरेडिक पेस्ट क्या होते हैं, ये वो पेस्ट होते हैं जो किसी फिक्स इंटरवल में देखने को मिलेंगे, मतलब ये हमेशा रेगुलर नहीं होते। ठीक है, जैसे सपोज आपने देखा होगा लोकस्ट, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका लोकस्ट हो गया, ग्रास ओपर हो गया, है ना, कट वार्म हो गया, आर्मी वार्म हो गया। तो होता क्या है ना कि देखिए एक सबसे अच्छा एग्जांपल इसका मैं बताता हूँ, लोकस्ट का पॉपुलेशन आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर देखोगे तो इसका, अगर आप लास्ट टाइम देखोगे तो जब कोरोना टाइम आया था ना, तो कोरोना टाइम पर इसका अटैक हुआ था किसी से किसी जगह पर। ठीक है, तो ये होता क्या है कि इनका पॉपुलेशन नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो इनका अटैक काफ़ी सीवियर हो जाता है। ठीक है, ये इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो स्पोरेडिक पेस्ट ये वो पेस्ट होते हैं जिनकी पॉपुलेशन आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो इनकी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है और ये आपके इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये होते हैं आपके स्पोरेडिक पेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया, इसका एग्जाम्पल बताया आपको, लोकस्ट हो गया, ग्रास ओपर हो गया, व्हाइट ग्रब्स हो गया, हैरी कैटरपिलर हो गया, आर्मी वार्म हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं पोटेंशियल पेस्ट के पास। पोटेंशियल पेस्ट क्या होते हैं, देखिए ये वो पेस्ट होते हैं ना जिनके पास पोटेंशियल होता है। ठीक है, ये अटैक मतलब ये लाइक दिस समझने की कोशिश कीजिए, डैमेजिंग बाउंड्री हो गया, ये आपका ई आई ई टी एल हो गया, और ये आपका ई आई एल हो गया। तो ये वो पेस्ट होते हैं जिनका अटैक उतना सीवियर नहीं होता है, मतलब ये आपको कोई इकोनॉमिक लॉसेस नहीं करते, पोटेंशियल तो है, अगर इनको मौका मिले तो आपको इकोनॉमिक लॉसेस भी कर देंगे, लेकिन इनका पॉपुलेशन नॉर्मली होता है, फील्ड में अटैक करते हैं। ठीक है, आपके जैसे कि ये स्टेम में रहेंगे, उनको क्रॉप को लॉस करेंगे, क्रॉप के पत्ते को खाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं वो अटैक कर देंगे कि आपकी इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक बात पहुँच जाए, इकोनॉमिक लॉसेस तक बात पहुँच जाए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, पोटेंशियल पेस्ट नाम से पता चल रहा है भाई कि इसमें पोटेंशियल है, बट अभी वो पोटेंशियल शो नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, मतलब होता ना कि आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो लेकिन आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो कि उतने तक आप वहां तक पहुंच सको। पोटेंशियल तो आप में भी है, ठीक है। तो पोटेंशियल पेस्ट ये वो पेस्ट होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है कि वो आपके इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये वहां तक नहीं पहुंचते। आपके फील्ड में ये दिखाई पड़ेंगे, आपके फील्ड में पत्ते खाएंगे, स्टेम में जाके ये सक करेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा इनका अटैक नहीं होता कि आपको इकोनॉमिक लॉसेस तक सहनी पड़े, ठीक है। तो दिस इज नोन एज पोटेंशियल पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक था फ्रेंड्स हमारा बेसिक सा जो आज का टॉपिक था आपका। डीबी हमने आज क्या पढ़ा, डीबी पढ़ लिया हमने, ईआईएल पढ़ लिया हमने, ईटीएल पढ़ लिया हमने, जीईपी पढ़ लिया हमने, की पेस्ट, स्पोरेडिक पेस्ट, रेगुलर पेस्ट, तो ये सारे जो कैटेगरीज ऑफ पेस्ट थे हम लोगों ने पढ़ लिया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।